आज मैं गाय के पाए कौ फीड बना रही हूँ। पहले मैं इसको अच्छी तरह धो रही हूँ। ये तीसरा पानी है जो मैं धो रही हूँ, तीसरी दफ़ा। एटलीस्ट 3-4 टाइम इसको आप धोएं, अच्छी तरह मल के धोएं। जब आप मल के धो लेंगे तो फिर मैं प्रेशर कुकर में इसको डालूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी इसमें कितना पानी डालना है। अब मैं पाए का मसाला बनाने लगी हूँ। ये मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला है क्योंकि इसके अंदर अपना इतना ऑयल होता पाए का, और मैं इस पर बहुत थोड़ा ना ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। तो अब मैं इसमें मैंने 4 बड़े टमाटर लिए, सॉरी प्याज लिए हैं, 4 बड़े प्याज। और इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। लाइट ब्राउन जब हो जाएंगे फिर उसके बाद मैं लहसुन और अदरक इसके अंदर डालूँगी। और चूल्हे को मैंने मीडियम हीट पर रख दिया है। पाव को अच्छी तरह धो लिया है, 4-5 पानी मल के। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, लेकिन अभी मैं ढक्कन नहीं बंद करूँगी। एक दफ़ा ये उबाला इसको हल्का सा जब गर्म हो जाएगा और ये जब इसको उबाल आने लगेगा तो इस पानी को ना मैं फिर थ्रो कर दूँगी। इस पानी को थोड़ा गंदा होता है, इसके अंदर जो खून शून वो सारा निकल जाए तो सारा साफ हो जाए। फिर इस पानी को मैं फेंक दूंगी, फेंक के फिर मैं नया पानी इसके अंदर डालूंगी तो फिर इसको हम कुक करेंगे। अब मैं इसके ऊपर ना ढक्कन लगा रही हूँ, जब ये उबलना शुरू होगा तो फिर इसका पानी मैं बाहर फेंक दूंगी। अब प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन हुआ है, ज़्यादा नहीं इसको सुरक करना क्योंकि सारी न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाती है अगर प्याज को हम ज़्यादा करेंगे तो। सॉटेड करना है। अब मैं उसके अंदर ये लहसुन और अदरक डाल रही हूँ। लहसुन की मैंने 2 फुल गठियाँ ली हैं और 2 इंच मैंने अदरक लिया है। और अब इसको मैं 5-6 मिनट स्टर फ्राई करूँगी और उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी। 3 बड़े टमाटर मैंने लिए, 1 मेरे पास पाया था और 3 मेरे पास शेंक का गोश्त था। तो अब मैंने उसमें 4 बड़े प्याज लिए हैं और 3 बड़े टमाटर लिए हैं। चॉप किए टमाटरों को, अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी, 3 बड़े साइज के टमाटर। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और इस मसाले को गलने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें दालचीनी और 4-5 लौंग डाल रही हूँ और 1 चम्मच मैं नमक ही डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, और बाकी का नमक जो मैं जब मसाला बनाऊंगी उसमें डालूंगी। तो अब मैं इसको प्रेशर करूंगी, ढक्कन दे दूंगी और मैं इसको बंद करूंगी 45 मिनट। इसको मैं गलाऊंगी। अब पानी मैंने इतना रखना है कील से नीचे तक, और 45 मिनट मैंने इसको ना, जब 45 हिलेगा तो फिर उसके बाद मैं इसका 15 मिनट के बाद ढक्कन इसका खोल दूँगी। एक सुरख मिर्च चम्मच की डाल रही हूँ, ये अपनी हस्बैंड का है, जितनी आपका दिल चाहता है आप डालें। 1 मैंने बड़ी चम्मच पाए में डाला था नमक और 1 मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हस्बैंड जायका होगा, ये अपनी चॉइस है कि आप ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं या कम। अब मैं घर की पीसी हुई इसमें 2 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। ये 2 चम्मच 2 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी जाएगी। अब मैं हल्का सा इसको भूनूंगी और इसके अंदर 1 कप पानी डाल के मसाले को ना गलने के लिए रख देंगे। अब मैं इसके अंदर ना गोश्त डाल दूंगी। पाए मैंने डाल दी हैं, अब मैंने पाए डाल दी हैं। अब मैं इसको ना थोड़ी देर भूनूंगी फिर उसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी।